नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि एक जानकारी दूसरे को प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है, मैंने एक सज्जन का आज एक वीडियो देखा तो मन में बड़ी व्याकुलता ये हो गई है कि इतना बड़ा चैनल बनाने के बाद और वो ऐसी बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं जो किसानों को बिल्कुल मरवाने वाली बात है, जिससे क्या है कि जैविक खेती के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा और रासायनिक खाद के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। क्या वो समझा रहे थे सज्जन, तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ठीक नहीं है नाम लेना, वाद विवाद का बात है, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए होशियार करना चाहता हूँ। मेरा काम ये है कि अगर आप लोगों का कहीं कोई अहित कर रहा है तो हमारा उद्देश्य है कि उसको जागृत करना। तो आप देख लेना, कोई देश की शान वगैरह चैनल है, ज़्यादा मैं नहीं करता, और उस पर उन्होंने सज्जन ने एक वीडियो डाला, आज ही मैंने देखा उसको, तो मेरे मन में सुक्का आई कि ये तो बिल्कुल एकदम फ्रॉड जानकारी है। वो क्या फ्रॉड जानकारी है कि वो सज्जन क्या कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि हमें DAP से भी ज़्यादा पावरफुल ताकतवर खाद कैसे बनानी है। मतलब कुछ भी बकवास आप करते रहोगे और वो जनता उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि किसान तो बेचारा खुद ही परेशान है। उसको क्यों इतना गुमराह कर रही हो जो उसके पास बेचारे की थोड़ी सी जमा पूंजी वो भी खत्म हो जाए। तो वो सज्जन का मैं पूरा आपको वीडियो की बता रहा हूँ, विस्तार से मैं दिखा नहीं सकता उनका वीडियो, क्योंकि कॉपीराइट का सिस्टम रहता है, तो इसीलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ। उन सज्जन के जाके उस पर देख लेना, ठीक है जी। देश की शान हमारे किसान, मैं ले ही लेता हूँ ना, मुझे डर नहीं किसी का। तो क्या वो बता रहे हैं, और अगर वो सिद्ध कर दें तब उनको चेला बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने जैविक खेती पे बहुत काम किया है और मैं लगभग प्रशिक्षण भी देता हूं जगह जगह जाकर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों को गुमराह ना करें, और अगर वो इस फार्मूले को ताकतवर सिद्ध करके दिखा दें तो मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। किसानों को इस तरीके से गुमराह ना करें। तो सज्जन बता रहे आप DAP ले लो 10 किलो, उसमें आप 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लो या बर्मी कंपोस्ट ले लो, उसको आपस में मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद उसको ढक के रख दो, फिर जब उसमें हीट जनरेट हो जाए तो फिर उसको बखेर दो, फिर उसमें यूरिया मिला लो, और उसके बाद उसको खेत में डाल दो। तो वो फार्मूला उन्होंने ये बताया है कि DAP से भी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। मैं इसमें दावा करता हूँ कि अगर DAP में कोई भी ऑर्गेनिक तत्व मिलाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बाद और वो जैविक रह जाता हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, और वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि रसायन का और ऑर्गेनिक से कोई मेल ही नहीं है, दोनों विपक्ष हैं, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि खेत का केचुआ निकालना, और केचुआ निकालने के बाद उस एक या दो दाना DAP यूरिया का चंद सेकंडों में दम तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि केमिकल का इतना हार्ड रिएक्शन होता है कि वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रकृति का जीव है, वो प्रकृति की चीजों को ही सहन करता है, वो इन वैज्ञानिकों की बनाई हुई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही उसमें कभी भी जैविक बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। ये आप गांठ बांध लो, चाहे वर्मी कंपोस्ट मिलाना और चाहे उसमें आप सड़ी गोबर की खाद में लाना, आप दोनों को नष्ट कर बैठेंगे और खाम खाम प्रयोग करके आप खत्म कर लोगे, क्योंकि वो ये कह रहे इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी मिल जाएगा। तो मैं उन जनाब को बताना चाहता हूं, चैनल चाहे कितना भी बड़ा बना लिया हो लेकिन इस मैटर में आपकी जानकारी बिल्कुल जीरो है और आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा कि आप किसानों को गुमराह करते जाओ और पैसे कमाते जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता पैसा कमाना गलत चीज़ है, कमाना चाहिए हर किसी को, लेकिन अच्छे तरीके से, जिससे हमारा भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो। अगर हमारा ही फायदा होता रहा तो नेताओं में और किसान में फर्क क्या रह गया? अगर आप नेताओं वाली भाषा बोलने लगोगे, वही लूटने वाली, वही लूटने वाली, वही वादे, वही उल्टी सीधी बकवास, तो बस किसान तो बेचारा मर ही जाएगा। क्यों? किसान परेशान है, वो सोचता है कि मैं एक एकड़ जमीन से इतना कमा लूं कि हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके, लेकिन आप उसके बच्चों के पेट पे लात मारने वाले हो। तो याद रखना,
प्रकृति आपको छोड़ने वाली नहीं है। किसान तो छोड़ देगा, वो तो बहुत दयालु है, आपको छोड़ देगा। तो उसी कंटेंट पे मैं आना चाहता हूँ कि कोई भी किसान अगर प्रयोग करना चाहता है और इस तरीके से प्रयोग करेगा और उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हमें दिखा दे उसके बाद प्रयोग करने के बाद, तो वो जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। तो इस तरीके की गलत जानकारी का, क्योंकि मैंने उसमें कमेंट भी पढ़े हैं तो बहुत सारे किसानों ने इतना ज़्यादा सराहा है कि सर गुड इन्फॉर्मेशन, बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब वो किसान जो है उसको प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद फिर वो गालियां किसको देंगे? ऑर्गेनिक खेती को, कि जी ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता, हम तो ऑर्गेनिक कंटेंट डाल डाल के थक गए हैं, मैंने बर्मी कंपोस्ट उसमें लिया था 80 किलो, गोबर की खाद ले ली थी मैंने इतनी, पर उसमें DAP भी मैंने डाली तो मेरी DAP तो जो है वो तो काम करेगी कि वो रासायनिक तत्व है, उसके अंदर जो है तीव्र गति का बैक्टीरिया है, जबकि प्राकृतिक खेती के सिस्टम से इसमें बायो वाले में इतना तीव्र नहीं होता जो कि तुरंत जाके एकदम हमला कर दे, वो तीव्र होता है और तुरंत अटैक करेगा। और अटैक करने से अगर आपको रोकनी है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 10 किलो DAP में जो है कितना बैक्टीरिया है और उसके बाद 80 किलो बर्मी में कितना है, तो हमें उसकी संख्या को नापना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 करोड़ बैक्टीरिया DAP में है तो कम से कम उसके ऊपर हमें 10 से 20 करोड़ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऑर्गेनिक कंटेंट में सफल होगा। और अगर हमने 1 करोड़ DAP में और 1 करोड़ ही छोड़ दिए तो DAP का बैक्टीरिया जीतने वाला है, ये भी आप गांठ बांध लो। क्यों? एक तो वहाँ पे बराबर की संख्या होगी, जैसे ही फील्ड में गया तो फील्ड में शत्रु बैक्टीरिया की फैक्ट्री लगी हुई है, वो जाते ही उसको मार देगा, तो आपका तो खेत जीरो हो गया ना। आपने सोचा मैंने तो ऑर्गेनिक कंटेंट डाला है। तो इसलिए किसान इस तरीके की हरकतें न करें, और इस तरीके की वीडियो को बहिष्कार भी अगर आप नहीं करोगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे नेता लूटते रहे देश को, वैसे अब कुछ यूट्यूबर लूटेंगे आप, आप लुटने के लिए ही फिर बनोगे अगर आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालोगे। इस बात की गांठ बांध लेना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इस तरीके का व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि ऑर्गेनिक को रसायन से मिला के डाल दो, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक खेत बनाना है तो आपको ऑर्गेनिक सेटअप में ही जाना पड़ेगा, और नहीं तो आप केमिकल की कर रहे हो तो केमिकल की ही करो, फिर आप ऑर्गेनिक की नहीं सोचो, क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हर प्रोडक्ट अगर आप बाजार से लेकर डालने लगे तो उसमें भी कुछ ऑर्गेनिक है नहीं, क्योंकि जितनी रासायनिक कंपनियां थी वो सब ऑर्गेनिक के नाम पे आपको रासायनिक बेच रही हैं। और आप सोचोगे राम भरोसे कोई आके कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सरकारें भी पैसा ही खींचती हैं, किसानों का कोई नहीं सोच रहा। मैं क्लियर कहता हूं, कोई सरकार किसान का हित नहीं चाहती, कोई नेता किसान का हित नहीं चाहता, क्यों? यही झंडा उठाने वाला 200 रुपये समोसे में, यही रैलियों में जाने वाला, तो वो चीज़ें गलत हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का वीडियो डालता तो आप उसका बहिष्कार ये करो और उससे क्वेश्चन करो कि सर आप इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हमें दिखाओ, इसको प्रूफ करो, ऐसा नहीं हवा में बातें करो। क्योंकि इन सज्जन का एक मैंने पिछला वीडियो भी देखा था जो 5 बीघे से 7 लाख रुपए की इनकम दिखा रहा था, मैं चैलेंज करता हूं कि 7 लाख रुपए इनकी खेती से आ गया हो तो आ ही नहीं सकता। अगर 7-8 लाख रुपए किसान इस तरीके से कमाने लगता, हाँ कमाते हैं, वो बहुत हाईटेक किसान है, बहुत मोटा उन्होंने खर्च किया है, बड़ा सेटअप बनाया है, सारी चीजें की हैं, वो किसान सक्सेस हुए हैं। लेकिन मैं 98% किसानों की बात कर रहा हूं तो वो सक्सेस नहीं होते, ना ही इतना पैसा कमता है। अगर इतना पैसा कमा रहे होते तो आज किसान की हालत बैंकों में गिरवी नहीं पड़ी होती। इस बात को आप हमेशा याद रखो, इतना नहीं है पैसा। क्योंकि मैं भी ये सारा कुछ सोच के ही खेती में आया था, अच्छी वाली जिंदगी काट रहा था दिल्ली में, लेकिन उतना बड़ा सेटअप नहीं मैं सेट कर पाया और 3-4 लाख रुपए गमा के अब मैं नॉर्मल ही बे में आ गया हूँ। तो हाँ, इतना तो मैं मानता हूँ कि चकोरी है, तंबाकू है, मूंगफली है, सरसों है, ये प्रॉफिटेबल खेती हैं, अब इनको निकाला गया है। जैसे हमारे क्षेत्र में चकोरी एक प्रॉफिटेबल खेती साबित हुई है। अब किसानों ने क्या किया, जो चकोरी नहीं कर पाते हैं वो सरसों की बुवाई कर लेते हैं और सरसों के तुरंत बाद मूंगफली लगा देते हैं, तो 3-4 क्विंटल बीघा की हमारे यहाँ मूंगफली भी निकलने लगी है। तो वो एवरेज और रेशियो बहुत अच्छा बैठता है, लेकिन उसमें भी अगर आप एकड़ में लाखों की बात करें तो वो नहीं होता, वो हजारों में ही होता है।
किसी को 70,000 बच गया, किसी को 80,000 बच गया, किसी को बहुत अच्छा हुआ तो 1,00,000 बच गया, इससे ज़्यादा नहीं बचता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं यूट्यूब पर कि सब लखपति बनाए जा रहे हैं किसान को, 1 एकड़ से 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, 15,00,000 तक की बात हो रही है, तो ये सब मूर्ख बनाने की बात हो रही है। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान रखें और आप अपने जो है दिमाग से काम लें। इन लोगों के अगर बहकामे में आप वीडियो देख देख के खेती करोगे तो आप जिंदगी में सिवाय असफलता की ओर जाओगे और कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। और अगर ये किसान भाई अगर कोई सफल हो गया हो, जिसने 1 एकड़ से ये सब नॉर्मल खेती करने के बाद, ये सरसों की, फरसों की, ये फलाना ढिमका, ये करके अगर उसने 2,00,000 रुपये बचाया हो, तो वो हमारे सामने आ जाए। वो मॉडल बनाना पड़ता है, मॉडल में खर्चा होता है, उसकी प्रॉपर आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए, तब जाके वो सिस्टम होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने वीडियो देखी जाके ली जाए, ये लोग गलत जानकारी दे रहे और आप उसमें फंसे जा रहे हो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ विनती है, ऐसे लोगों का थोड़ा बहिष्कार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको भी सबक आप ही लोग सिखाओगे, हम लोग नहीं सिखा पाएंगे। हम केवल आपको ये बता सकते हैं ये व्यक्ति गलत बोल रहा है यहाँ पे, ये सही बोल रहा है। जो सही बोलेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, जो गलत बोलेगा उसका मैं विरोध हमेशा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि इस चीज़ पे TCBT में मैंने किया था तो उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत गंदे तरीके से फ़ोन किया, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वो अंधभक्त होते हैं और अंधभक्तों की दुनिया में कहीं कोई वो नहीं होता, उनको अपने तो बच्चे दिखते नहीं हैं, वो तो अंधभक्ति में बस चूर हैं, ठीक है ना। तो उनका तो इलाज दुनिया में ही नहीं है, तो उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों को क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन मेरा काम था आपको जागरूक करना, वो मैंने आपको किया है कि इस तरीके की गलती आप लोग न करें और उनके वीडियो पर जाइए, आप देखिए और उनसे क्वेश्चन कीजिए और कहिए ऐसा आप करके दिखाएं। तो भविष्य में मिलते हैं आगे, अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, नमस्कार, धन्यवाद।